नमस्कार, दिस इज योगिनी प्रियंका और आपका स्वागत है हमारे शो गुड मॉर्निंग योगा में। काफिला टीवी के दर्शकों को हमारी प्यार भरी नमस्कार और आई होप आप सभी हमारे बताए हुए योगा आसन करके उसका लाभ ले रहे होंगे। तो प्रैक्टिस से ही आपको फ़ायदा होगा, सिर्फ टीवी में देखने से फ़ायदा नहीं होगा। तो आज हम क्या बात कर रहे हैं, कौन सी चीज़ के लिए हम योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं? ऐसी प्रैक्टिस जो आप कभी भी कर लें, कहीं भी कर लें और आपको कंप्लीट रिलैक्सेशन दे, ऐसी प्रैक्टिस आज हम करने वाले हैं। तो आप देखेंगे, हम 5 मिनट हम अपर बॉडी पे लगाएंगे, 5 मिनट हम स्पाइन और बैक पे लगाएंगे, सो लाइक फ्रंट स्पाइन और बैक स्पाइन पे लगाएंगे, और 5 मिनट का टाइम हम लेग्स पे लगाएंगे। तो पूरी बॉडी के लिए मूवमेंट करते करते, योगा पॉस्चर्स करते करते आप फील करेंगे कि कितना लाइट मुझे लग रहा है। और कितना समय? 15 से 20 मिनट। लेकिन वो कम से कम समय है, जिनके पास ज़्यादा समय है वो ज़्यादा समय डिवोट करें। और धीरे धीरे, जैसे मैं 18 साल से योगा कर रही हूँ, पहले बहुत मोटी थी और वहाँ से योगा में जैसे ही मैं आई तो 2 हफ्ते के बाद मुझे हल्का लगना शुरू हो गया। तो वो आपका क्लू होगा कि जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को टाइम देते हैं, बॉडी आपसे बात करेगी कि हाँ उसको अच्छा लग रहा है। तो आप अपनी बॉडी की बात सुने और जो चीज़ सच में अच्छी लग रही है वो आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देगी। टेम्पररी रिजल्ट हमें नहीं चाहिए, हमें सस्टेनेबल हमेशा वाले रिजल्ट चाहिए, ताकि आप एक एजलेस बॉडी को इंजॉय कर सकें, एजलेस माइंड को, केयरफ्री माइंड को आप इंजॉय कर सकें। तो वो हमें चाहिए अभी। तो शुरू करते हैं, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा लेसन होता है क्या है, कि आप जहाँ पे भी बैठे हैं अपने हिप से जुड़ें और उसका सेंटर ढूंढें। अभी कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि सेंटर कहाँ पे है हिप का, हमने पहले तो कभी ऐसे सोचा नहीं। मुझे आयंगर योगा करते 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 6 महीने हो गए थे, जो कि मैंने 7 साल हाथा योगा करने के बाद मैंने आयंगर योगा डिस्कवर करा था। तो आयंगर योगा क्या है, आपकी अलाइनमेंट चेक करते हैं। तो इसीलिए अब हम कैसे कराते हैं कि आप अलाइनमेंट चेक कर रहे हैं, तो सेंटर ढूंढ रहे हैं बॉडी का। हम कहते हैं ना अति ज़रूरी है, ना कम होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए, लाइक मीडियम, कि आप पूरे कंप्लीट रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मीडियम यानी कि सेंटर, हम सेंटर में आना चाहते हैं। आसान तरीका बताती हूँ, क्या आसान तरीका है, आप अपने आप को बोलेंगे मैं हिप बोन के सेंटर में हूँ। आंखें बंद कर लीजिए और अभी शुरू करते हैं। ऐसा हम 3 बार बोलते हैं और देखते हैं कि वापस हम आते हैं सेंटर में। तो आपके साथ साथ मैंने भी आंखें बंद कर ले रही हैं। अब आंख बंद करके क्या होता है, आपका जो माइंड है वो आंखों से देखता है। तो अभी माइंड देख नहीं रहा, माइंड फील कर रहा है। तो आप माइंड को ले जाएं कहाँ, हिप के सेंटर में, और बोलें आई एम एट द सेंटर ऑफ माई हिप बोन, मैं अपने हिप के सेंटर में हूँ, मैं हिप के सेंटर में हूँ। चौथी बार एक बार और बोलते हैं, मैं हिप बोन के सेंटर में हूँ। और धीरे से आप आंखें खोलें अभी और देखें कि आप सच में सेंटर में हैं, एक मैजिक होगा। तो हमारी वाणी का बहुत असर होता है, और इंडियन कल्चर में, हर रिलीजन में आपको ये सिखाते हैं, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, ध्यान ही अच्छी जगह पे आप डालो। तो पहली शुरुआत हमने माइंड को यहाँ लाके करी, सेंटर में हम आ गए। जब आप सेंटर में आ जाएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा आप सेंटर में, आपकी स्पाइन ऊपर होएगी, फ्रंट स्पाइन, बैक स्पाइन, साइड स्पाइन, तो हर तरह से आपको ऊपर फील होएगा कि आप लिफ्ट हो रहे हैं, वन थिंग। दूसरा फील होगा कि टमी टक इन है। तो जब भी कोई हमारे साथ मॉडल होती है, हम उनसे पूछते हैं ये सवाल, पर आज हमें एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी मिली है खुद से। आप बिल्कुल जुड़े हुए हैं अपना जहां आप कर रहे हैं, मैं बिल्कुल जुड़ी हुई हूं कि मेरी ध्यान वहीं जा रहा है, सेंटर है हिप का और पेट अंदर गया, पेट अंदर होने से बॉटम ऑफ द चेस्ट अंदर गया और चेस्ट ऊपर हुई, और सारा तो चीज़ें कनेक्टेड है ना, स्पाइन कनेक्ट, आपका फ्रंट कनेक्टेड है स्पाइन से, तो वो भी ऊपर हुआ। तो पहला लेसन इसी तरह एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ, टाइम लगता है एक्सप्लेनेशन सुनने में, पर आपको टाइम लगाना है अपने आप को, 15 मिनट का टाइम आप डिज़र्व करते हैं, तो आप टाइम लगाएं। उसके बाद आप ब्रीद इन करें, सांस लेंगे
और देखेंगे कि सांस कहाँ कहाँ जा रही है। अब देखते कैसे हैं, मन से। तो आप सांस ले रहे हैं, पेट बाहर आएगा, सांस ले रहे हैं, चेस्ट ओपन होएगी, सांस ले रहे हैं, आपको लगेगा कि कुछ फ्लो है गले में, नाक के अंदर आपको टच फील होएगा एयर का। तो आप कनेक्टेड हैं कहाँ पे, कंप्लीटली आप सांस से कनेक्टेड हैं, और दब और फिर उसको बाहर निकलते हुए देखेंगे। तो अभी मैं एक बार आपको सांस लेने और निकालने देती हूँ, बिल्कुल शांत। सो ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तो ना केवल सांस निकालने पे ध्यान था, सांस की आवाज़ पे भी ध्यान जाएगा। लिप्स आपने देखा थोड़े से मैंने खोल लिए थे, आपके पास ऑप्शन है, लिप्स बंद करके भी सांस नाक से निकाल सकते हैं या मुंह से सांस बाहर निकाल सकते हैं। वन थिंग, सांस का चैप्टर इज कंप्लीट, तो अब सांस तो चलनी चलनी है, जो भी आप मूवमेंट करेंगे उसमें सांस यही हम चलाएंगे। सेकेंड मूवमेंट में हम क्या करेंगे, शोल्डर्स ऊपर ले जाएंगे, वही सांस लेते हुए शोल्डर्स ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, और आप देखें, फील खुद ही करेंगे कि पेट अंदर जाता है, चेस्ट में कुछ हो रहा है, शोल्डर्स में कुछ हो रहा है, और सांस निकालते हुए शोल्डर्स नीचे ले आएंगे। तो अभी ना सिर्फ सांस चल रही है बल्कि आपकी एक मूवमेंट हो रही है। तो ऐसा हम 5 बार करते हैं। सो इनहेल, टेक इट अप, एंड एक्सहेल, ब्रिंग इट डाउन। तो जो लोग सारा दिन कंप्यूटर्स पे, मोबाइल्स पे, टीवियों पे लगे हुए हैं, लप लगे रहें, लेकिन अपने साथ में ये एक्सरसाइजेस करनी है, योगिक मूव करना ही करना है। तो सांस निकालते हुए हम वापस आ रहे हैं। तो यू विल इनहेल अप एंड यू विल एक्सहेल, मूव योर शोल्डर्स डाउन। सांस निकालते निकालते आपने मुंह थोड़ा सा खोल लेना है, ताकि वो सांस की आवाज़ से आपको पता चले कि यू आर रिलीजिंग समथिंग आउट। तो 2 बार और करते हैं, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। जो लोग तो रुक सकते हैं, आपने देखा होगा कि मैं 1 या 2 सेकंड के लिए रोकती हूँ सांस और शोल्डर दोनों, रुक सकते हैं तो आप रुकें, थोड़ा ज़्यादा ही समय लगेगा आपको, आप ज़्यादा ही समय दे पा रहे हैं। पेट आपको दिख रहा है अंदर जा रहा है, पाम्स को आप, हाथों को आप नीचे प्रेस करते रहेंगे, और सांस निकालते निकालते अब देखें कितना तो अच्छा रिलीज हो रहा है। तो शोल्डर में जो स्ट्रेस था वो थोड़ा सा रिलीज होगा फॉर श्योर, और आपको क्या लगेगा कि कुछ मूवमेंट हो रही है, कुछ तो मूवमेंट है जो कोर में जा रही है, जो स्पाइन में जा रही है, जो आपको फिर से अपने आप से कनेक्ट करेगी ब्यूटिफुली। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे कहाँ जा रहे हैं, आर्म्स करें। तो हमने शुरुआत करी ब्रेथ वर्क से, फिर वही ब्रेथ वर्क कंटिन्यू चलेगी हर क्रिया में। अब आर्म्स करते हैं, आर्म्स के लिए क्या करेंगे, आर्म्स को नीचे ले जाएं और बटक्स का सेंटर फील करें यहाँ पे। तो पाम्स आपके नीचे हैं, जैसे मेरे पाम्स नहीं दिख रहे तो मैं थोड़ा आगे ले जाती हूँ और प्रेस कर रही हूँ, पुश कर रही हूँ। या तो आप पुश करें या सोचें कि पाम्स पुश हो रहे हैं, सेम थिंग। या तो आप सोचें कि आपके पास अबंडेंस है या आपके पास असलियत में अबंडेंस है, सेम थिंग, सेम, इफ आई कैन से डैम थिंग, सेम थिंग। तो अभी यहाँ पे आप स्ट्रेच देखें, पाम्स को स्ट्रेच कर रही हूँ, फिंगर्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो आर्म्स में स्ट्रेच आ रहा है, शोल्डर्स में स्ट्रेच आ रहा है, ब्यूटिफुल स्ट्रेच है, ब्यूटिफुल, वन वर्ड, ब्यूटिफुल। फिर आप क्या करेंगे, सांस भर के ऊपर जाएंगे, भरते भरते। तो ब्रीद इन करते करते आप ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा मसल्स का शो ऑफ होगा, आपकी मसल्स बोलेंगी। सांस निकालते निकालते आप नीचे आएँ, नीचे आएँ, और हाथ फिर से वही पोजिशन में जाएंगे। सो दोनों हाथों को साथ साथ नीचे लेके आएँ, फिर से करते हैं। ब्रीद इन करते करते देखिए, मैं हाथ जो यहाँ पे है उसको स्ट्रेच करूँगी। दूसरी टाइम में मैं आपको और ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस देती हूँ कैसे, आप शोल्डर्स दोनों टॉप ऑफ द शोल्डर से, मैं बताती हूँ, ये टॉप ऑफ द शोल्डर से हम बाहर जाएंगे एल्बो तक। तो टॉप ऑफ द शोल्डर को आप ऐसे सोचें कि वो बाहर कोहनी तक जा रहे हैं, एल्बोस तक, एल्बोस को सोचें कि वो रिस्ट तक जा रही हैं, रिस्ट को सोचें कि वो फिंगर्स तक जा रही हैं। तो ये आप एक्शन कैसे कर सकते हैं, सोच के। सोचता कौन है, माइंड। अब माइंड आपका कुछ और तो नहीं सोचेगा,
यहीं रहेगा आपके साथ। किस किस को प्रॉब्लम है कि माइंड घूमता रहता है, मतलब चुप भी है, शांत भी आप बैठे तो माइंड चल रहा है, अब यहाँ नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आप सांस लेके पूरी शोल्डर से हाथ तक खींचे, सांस निकालते निकालते आप नीचे अपने फिंगर्स अपनी तरफ करके हाथों को नीचे 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 सांस निकालते निकालते हाथों को नीचे ले आएंगे। तो काफ़ी चीज़ें आपको पता चलेंगी। हमारे चैनल का नंबर आपको पता है, काफिला टीवी का, काफिला टीवी का पेज मालूम है, तो आप वहाँ जाके कमेंट करें कि आपने ये एक्सरसाइजेज योगिक क्रिया करी और आपको ऐसा लगा। तो फिर से करते हैं, ब्रीद इन करते करते ऊपर जा रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं एल्बो से रिस्ट, रिस्ट से पाम, ब्रीद इन यहाँ है, एक्सहेल करते करते नीचे आ रहे हैं। And we'll do it one more time. Inhale up. Stretch your palms out. Elbow to shoulders to elbows. Elbows to wrist. Wrist to palms. And feel the stretch. It's a beautiful stretch coming. Exhale down, 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 down. So exhalation pe aapka haath hai, wo muscle, aapka dhyan hai, wo arms ki muscles pe jo relax ho rahi hai. Wapas aayenge, haath apne राइट पाम ऊपर, लेफ्ट पाम नीचे, और आप रिलैक्स करेंगे ऐसे। तो अभी आप मिस नहीं करेंगे, क्या नहीं मिस करेंगे, आफ्टर इफेक्ट। हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन यहाँ क्या है आपको पता चलेगा। फॉर मी, अगर आप मेरी बात करें तो रिएक्शन है कि सेंसेशन हो रही है आर्म्स में, सर्कुलेशन पता चल रहा है। तो वो सर्कुलेशन अगर हम डीपली एक्सप्लेन करें, आपके लिम्फेटिक सिस्टम होता है ना, जैसे एक फ्लूइड है ब्लड, उसको तो हार्ट पंप कर रहा है, बट एक फ्लूइड है लिम्फेटिक सिस्टम, उसको कौन पंप करता है, आपकी मूवमेंट। तो वो मूवमेंट आपको पता चलेगी अलॉन्ग विद योर ब्लड सर्कुलेशन। तो ये था आर्म्स का, शोल्डर्स का। अब हम कहाँ पे जा रहे हैं, स्पाइन पे। उसके लिए हमें पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। तो आप हमेशा देखते हैं कि हम ब्लॉक पे बैठते हैं, क्यों, आप कुशन्स पे भी बैठ सकते हैं, स्पाइन थोड़ी ऊपर हो जाती है। और हम यहाँ से ब्लॉक हटाने वाले हैं और साइड पे आ जाएंगे। कैसे, आपकी जो रिस्ट है और शोल्डर है वो एक लाइन में, सीधी लाइन में, जो आप चेक करें, ओके, रिस्ट और शोल्डर सीधी लाइन में है। फिर आप चेक करें कि हिप और नी, तो हिप जो है, दिस हिप साइड बोन एंड नी इज इन वन लाइन, तो वो एक वन लाइन में हो गया। फिर आप स्पाइन देखें, कई लोग ने ये पोजीशन करा होगा, नॉर्मल पोजीशन है, पर हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें सीधी स्पाइन चाहिए। इन चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है। अभी कई लोग हैं जो ये पोजीशन नहीं कर सकते, तो आपने नी में प्रॉब्लम हो रही है तो नी में कुशन रखें, नी के नीचे टॉवल फोल्ड करके वो रखें। अब आप धीरे धीरे अपर बैक पे ध्यान डालेंगे, तो आपने माइंड लेके जाना है अपर बैक पे, और अब पाम्स को प्रेस करते करते अपर बैक को ऊपर खींचना है। That's it. तो हम सांस नहीं छोड़ेंगे, ब्रीद इन करते करते ऊपर चले, ब्रीद आउट करते करते नीचे आए। तो अपर बैक एक्टिव करें, क्या अपर बैक के साथ आपकी चेस्ट जुड़ी है? एंड दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन, आप अपने आप से पूछें कि अपर बैक को पुल करें ऊपर, तो क्या चेस्ट में, कोर में कुछ हो रहा है? विजिबल है, पर आप सोचें। और शोल्डर्स प्रेस करते करते चेस्ट नीचे लेके आ जाए। Now we'll concentrate on middle back. तो middle back पे ध्यान है, तो breathe in करते करते आप ऊपर लेके जाएंगे middle back. देखिए middle back के साथ साथ core भी उसके साथ ही जुड़ा हुआ है, तो ऊपर जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था कि हम back spine, front spine दोनों की क्रिया करें। So that's done. वापस आ जाएंगे सांस निकालते हुए। तो अभी हम slow कर रहे हैं क्योंकि आपने ये सीखना है, फिर एक बार सीख जाएंगे तो थोड़ा fast करेंगे। तो लोअर बैक पे ध्यान है, अभी लोअर बैक को ऊपर ले जाएं, फील करेंगे स्ट्रेच, पाम्स को प्रेस कर रहे हैं, फिंगर्स को आगे स्ट्रेच करें और नीचे ले आएंगे सांस निकालते निकालते। तो अभी मूवमेंट मैं पूरा दिखाती हूँ। सो इनहेल अप अपर बैक, एक्सहेल डाउन अपर बैक डाउन, इनहेल अप मिडिल बैक अप, एक्सहेल डाउन लोअर बैक अप, इनहेल लोअर बैक डाउन, एक्सहेल। और ब्यूटीफुल क्रिया, एक बार करने के बाद आपको ऐसे लगता है कि क्या तो हो गया स्पाइन में। तो
जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उसको वापस टेस्ट करते हैं कि नहीं, क्रेविंग होती है आपको, तो ये हेल्दी क्रेविंग्स आप अपने आप को लगाइए। तो अब हम पूरी स्पाइन एक साथ करेंगे, ब्रीद इन ब्रीद इन ब्रीद इन, प्रेस योर पाम्स। तो ब्रीद इन करते करते आपने देखा अपर बैक मिडल बैक एंड लोअर बैक ऊपर गया। अब मैं सांस लेके रोकूंगी सांस, जब तक सांस रुकी है पाम्स को नीचे पुश कर दियो। जैसे पुश करूंगी आपको दिखेगा कोर अंदर जा रहा है, मुझे पता चल रहा है। एंड देन एक्सहेल डाउन लोअर बैक मिडल बैक अपर बैक डाउन। सो दैट्स वन क्रिया। फिर हम क्या करेंगे, चिन ऊपर ले जाएंगे, इनहेल करते करते पाम्स को प्रेस करेंगे। इस टाइम हम बिग टोस को, पैरों के बड़े अंगूठे को बाहर खींचेंगे। तो जैसे ही आप खींचते हैं आपको पता चलेगा लोअर बॉडी में ब्यूटीफुल स्ट्रेच आता है। और स्पाइन कैसी है, सीधी है, स्पाइन में कोई आर्च नहीं है। तो मेरे बैक में थोड़ा आर्च यहाँ आया, उसको ऊपर उठाना आपकी ड्यूटी है। अब कहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है आपको पता है, आपने जहाँ पे आपको स्ट्रेच आ रहा है आपने हमारे चैनल में शो की हम वीडियो पोस्ट करते हैं उसके नीचे कमेंट डालना है। एंड वी रियली नीड योर कमेंट्स। मेरा खुद का पेज है स्टे फिट विद योगिनी प्रियंका इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आप वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक्सहेल डाउन, आई वुड लाइक टू डू इट अगेन, इनहेल अप एक्सहेल डाउन इनहेल अप एक्सहेल डाउन एंड दैट्स इट। अब क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला लेग्स का ये तो हुआ, फ्रंट स्पाइन एंड बैक स्पाइन का, सो लाइक माई हैंड विल गो बैक बैक स्पाइन का। अभी हम लेग्स का कर रहे हैं, कैसे, आप पैरों को पीछे खींचेंगे पूरा अच्छे से और प्रेस करेंगे जो स्किन लग रही है, फिर बटक्स पीछे जाएंगे स्लोली एंड आर्म्स थोड़ी सी आगे। आप मिस नहीं करेंगे कि क्या फर्क पड़ रहा है इससे आपको, पाम्स को प्रेस करके जो रिस्ट है, रिस्ट के का बेस जो है ना उसको प्रेस करके हाथों को आगे खींचेंगे। तो कलाई का जो बेस है उसको प्रेस करेंगे, रिस्ट को आगे खींचेंगे और बटक्स को स्लोली नीचे लेके जाएंगे, हील्स की तरफ, की तरफ, हील्स के ऊपर नहीं, तो की तरफ, हील्स की तरफ लेके जाने से लेग्स की क्रिया हो रही है, लेग्स में स्ट्रेच आ रहा है। आप बताएंगे आपने ये मूव किया और आपको स्ट्रेच आया कि नहीं। देन मूव योर हैंड बैक, धीरे से हाथों को ऊपर उठाएंगे एंड इट्स अमेजिंग क्रिया। एक तो क्यूट बहुत लगता है, दूसरा आप, आपको बाहर से बहुत इजी सिंपल लग रहा होगा बट जब आप करेंगे आपको पता चलेगा ये क्यूटनेस कितनी खतरनाक है। तो जब मैं कर रही हूँ, बोल रही हूँ, मुझे मालूम पड़ रहा है कि कोर एक्टिवेट, मतलब अमेजिंग एक्टिवेशन है कोर में, इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। आप क्या करेंगे, आप एल्बोस पकड़ेंगे, अपने एल्बोस को पकड़ के शोल्डर्स को पीछे खींचेंगे। और पैरों का क्या हो रहा है, लेग्स का क्या हो रहा है, बटक से नीचे, ग्लूट्स में भी स्ट्रेच है तो लेग्स में भी स्ट्रेच है। वहाँ से आप जाएंगे ट्रंक, पूरा जो ट्रंक है ऊपर की जो धड़ है, ट्रंक को आप ऊपर खींचेंगे धीरे 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 धीरे। एंड देन मूव योर बटक स्लोली डाउन, ट्रंक अप बटक स्लोली डाउन। तो हील्स में टच हो सकते हैं बट हम टच करेंगे नहीं, हम ऐसे ही रहेंगे। वहाँ पे आपको किलिंग स्ट्रेच आएगा, वहाँ से आर्म्स ऊपर उठाएंगे तो पेट आपको मालूम पड़ेगा, यहाँ से पेट पे इतना सॉलिड, मतलब इम्पैक्ट, डीप इम्पैक्ट होगा। तो आप यहाँ ऊपर लेके जाएं, ऊपर लेके जाएं आर्म्स ओवरहेड, देखें कि ओवरहेड कितने लोग लेके जा सकते हैं। फिर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो वही लोग जो अभी नहीं लेके जा पा रहे ना, दे कैन चैलेंज देमसेल्व्स। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है हम कुछ नहीं कर रहे, आप मुझे बताइए कितने लोगों को कुछ नहीं करना है और कितने लोगों को कुछ नहीं करके सॉलिड रिजल्ट्स मिलेंगे। आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू, आप हमारे चैनल से जुड़ें, कमेंट्स करें। एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल अमेजिंग अमेजिंग प्रैक्टिस, इम्प्रोवाइज्ड है, लेग्स में कंप्लीट स्ट्रेच है और आपका ध्यान कहाँ जा रहा है, बॉडी से बाहर नहीं जाएगा। सो नाउ I can feel bottom of my chest. ये जो हिस्सा है नीचे जा रहा है, कैसे फील हुआ, बाहर से नहीं लग रहा, मुझे पता चल रहा है। सो आई लिफ्ट बॉटम ऑफ द चेस्ट अप स्लाइटली बाय, मैं अपना हेड ऊपर लेके जाऊंगी और पूरी ट्रंक खींचेगी एंड दैट इज इट। यहाँ पे आप ज्यादा देर तो नहीं रुक सकते, कपल ऑफ सेकेंड्स,
लेट्स चैलेंज आवरसेल्व्स, कितनी देर हम यहाँ रुक सकते हैं. 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and 4. And that's it. Done. Down. Arms down. तो स्पाइन देखे एकदम सीधी है, फिर एल्बोज नीचे, आर्म्स आगे, वापस ऑल फोर्स में. तो जैसे ही आप वापस आते हैं आपको पता चलेगा कि क्या तो आपने कर लिया. सिंपल मूव था और कार्डियो स्टार्ट हो गया है, हार्ट पंपिंग हायर देन एवर, तो आपका सर्कुलेशन एंश्योर्ड हो गया. वन. दूसरा अब हम क्या करेंगे, रिलैक्स करना भी ज़रूरी है वर्कआउट के बाद, तो दोनों पैरों को जोड़ दें, हील्स अवे हैं, बिग टोज जुड़े हुए और नीज बाहर, मैट की बिल्कुल मैट जितना भी खोल सकते हैं, हाथ थोड़े आगे. तो हम क्या करें, जैसे हर वर्शिप पोजिशन होती है, सेल्फ सरेंडर. सो बटक्स कंप्लीटली डाउन, आर्म्स खींचते हैं यहाँ पे और खींचते चले जाते हैं. दिस इज द लास्ट पोस्चर, लेकिन हम यहाँ रिलैक्स करेंगे. कैसे, पाम्स को खींच रहे हैं मेंटली, ध्यान माइंड से है वहाँ पे जुड़ा हुआ, ध्यान माइंड से ही जुड़ता है. तो आप ध्यान लगाएंगे तो आपका माइंड वहाँ जुड़ेगा. पाम्स को नीचे प्रेस करते हैं, एल्बोज को नीचे आने देते हैं और जो चेस्ट नीचे आएगी उसे आपने कंट्रोल करना है. तो पाम्स अंदर ताकि चेस्ट नीचे नहीं आए. वहाँ से अगर आपके पास ब्लॉक है तो ब्लॉक ले लें, नहीं है कुशंस ले लें, कुशंस नहीं है तो ऐसे फिस्ट बनाएं, मुट्ठी दो बना के और रेस्ट करें अपने हेड को वहाँ पे. तो साइकिल कंप्लीट हुआ यहाँ पे. तो जिस ब्रेथ से हमने शुरू किया था वही ब्रेथ आप वापस ले आएंगे, ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे. जिन लोगों को ये फोरहेड नीचे ज़मीन पे लगाना है वो लगा सकते हैं, तब हाथ आप पीछे करेंगे, वन पोजिशन. बट फॉर नाउ लेट अस कीप दिस. अब यहाँ पे आपने सिर्फ सरेंडर नहीं किया है, आप एक्शन स्टिल कर रहे हैं. एक सिर्फ सरेंडर वाला होता है कि जो करेंगे भगवान करेंगे, मैंने एक्शन करना ही नहीं है. थाली, खाने की थाली आगे पड़ी है, खाना पूरा पड़ा हुआ है, अब आप कोशिश तो करके मुंह में डालेंगे, मुंह में नहीं डाल दिया, चबाएंगे तो आप ही ना. तो चबाने का काम बता रही हूँ कि आपने ये नहीं करना कि कंप्लीट आप ले जाओ और कुछ ना करो, ऐसा नहीं करना. हमने क्या करना है, खाना खाना है, प्रेस करना है पाम्स को, स्ट्रेच करना है फिंगर्स को, फिस्ट बनाना है और ध्यान फोरहेड पे लगाना है. तो यहाँ पे एक्शन तो हो ही रहा है, उसके बाद आप रिजल्ट के लिए सरेंडर कर रहे हैं. जैसे आप सरेंडर करेंगे जो पार्ट्स एक्टिव थे ना, जैसे मैंने देखा टेल बोन मेरी पीछे जा रही है अपने आप ऑटोमेटिकली. ये पोजीशन ऐसी है, दिस कम्प्लीटली जब आप बाबा जी को के ऊपर सब कुछ डाल देते हो, ये पोजीशन वो है, तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो हम वापस कैसे आएंगे यहाँ से, आप आर्म्स वापस स्लाइड करेंगे, पाम्स पीछे लेके आएंगे, प्रेस करेंगे पाम्स को, नीज को इकट्ठा ले आएंगे और धीरे धीरे बैठ जाएंगे. तो ये था, मैं एक रीकैप देना चाहूँगी आपको कि हमने करा क्या क्या आज. ब्रेथ वर्क करा, ब्रीद इन ब्रीद आउट करा, शोल्डर्स किए, आर्म्स किया, एंड देन आर्म्स करने के बाद हमने स्पाइन करी, स्पाइन करने के बाद हमने लेग्स करी, जहाँ पर हम सोच नहीं सकते थे कि लेग्स को बिना मूव करे लेग्स कैसी हो सकती है. सो ग्लूट्स, लेग्स, लोअर बॉडी हमने तब करी. तो छोटा से टाइम फ्रेम में आपने सारी बॉडी की प्रैक्टिस कर ली. आई होप आप प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो और खूब हेल्दी और यंग बनते जाओ. आपके कमेंट्स का हमको इंतज़ार रहेगा. मेरा नाम है योगिनी प्रियंका और काफिला और योगिनी प्रियंका के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच एंड कीप हेल्दी फॉर एवर.